तो यार दुनिया का सबसे फास्टेस्ट चीज क्या है? तुम्हें लग रहा हो कि तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड का दिमाग जो कि समय से भी तेज दौड़ता है और खुद को और तुम्हें प्रॉब्लम्स में डालता है, तो मैं नहीं कहूंगा कि तुम गलत हो, बट साइंटिफिकली ना दुनिया का सबसे फास्टेस्ट चीज है लाइट। जस्ट इमेजिन अर्थ से लेके मून तक 1.3 सेकंड में लाइट ट्रैवल करता है। और कहानी यहाँ खत्म नहीं हो रहा, जो भी चीजें तुम्हारे आसपास है ना, जो तुम देख पाते हो, लाइक क्लास के अंदर एंटर करती है अपने क्रश का फेस, फिर इंग्लिश पीरियड में अपने हॉट सी इंग्लिश मैम का चेहरा, या फिर टिंडे के सब्जी वाले शक्ल के मैथ्स सर का चेहरा, जो कि तुम सपने में भी नहीं देखना चाहोगे आई नो, बट जो भी तुम चीज़ें देखते हो ना वो हो पाता है सिर्फ और सिर्फ लाइट के वजह से। देखो होता क्या है, चाहे सन हो या कोई भी जो बल्ब होता है, वहाँ से निकलता है लाइट रेस, ये ट्रैवल करता है सीधा और चीज़ों से टकराता है, चाहे तुम्हारे क्रश के चेहरे से हो या फिर मैथ्स सर के चेहरे से हो, टकराने के बाद वो तुम्हारे आंखों पे आता है और तुम उन्हें देख पाते हो। दैट्स इट, ऐसा काम करता है लाइट। बट रुको, मैंने बताया तुम्हें कि लाइट ट्रैवल करता है सीधा स्ट्रेट, बट ये भी तीन कॉन्सेप्ट हमें जानना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। देखो मैंने क्या बताया कि लाइट सीधा ट्रैवल करता है, बट मान लो कि लाइट किसी चीज से टकरा गया और फिर वो बाउंस बैक कर जाता है, तो इस चीज को कहता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर मान लो दूसरा कंडीशन लेते हैं, लाइट सीधा ट्रैवल कर रहा है, फिर वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रहा है और करते करते वो थोड़ा सा बेंड हो गया, तो इस कंडीशन को कहता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और आखिरी है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यहाँ क्या होता है, बेंड होता है ट्रैवल करते करते, बट बेंड होने के बाद वो फिर सीधा नहीं जा रहा होता है, वो चित्तर बित्तर होकर फैल जाता है चारों ओर, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमारे सिलेबस में है नहीं, मैंने बस तुम्हें समझाने के लिए बता दिया, हमें इस चैप्टर में बस पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यार शुरुआत करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। तो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर में लाइट रेज पहले किसी से टकराता है, फिर वो बाउंस बैक कर जाता है, एंड दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे काम करता है ये चीज जानने के लिए तुम्हारे पास होना चाहिए मिरर, यानी कि बेस्ट ऑप्टिकल डिवाइस टू अंडरस्टैंड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज मिरर। बट अगर तुम्हें जानना है कि जो ये फिनोमिनन है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये कैसे काम करता है, तो तुम्हें पहले जानना पड़ेगा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। मान लो कि तुम्हारे पास एक प्लेन मिरर है, यहाँ पे पहले रोशनी आएगा जिसे तुम कहोगे कि लाइट रे, पहले टकराएगा मिरर से, फिर ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होके वापस चला जाएगा। तो जो पहले आके मिरर से टकराया ना, उस रे को कहते हैं इंसिडेंट रे, और टकराने के बाद जब रे वापस गया उस रे को कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और इन दोनों के बीच में एक रे आता है जिसे कहते हैं नॉर्मल रे। तो देखो मैं सिंपल भाषा में तुम्हें ये कहना चाह रहा हूँ कि एंगल, जिस एंगल से इंसिडेंट रे आया ना इस मिरर पे, उतना ही एंगल से रिफ्लेक्टेड रे वापस जाएगा, यानी कि आई इज इक्वल्स टू आर। समझ गए, मैथमेटिकली बहुत काम आएगा आगे, याद रख लेना। अब इसके अंदर में दूसरा चीज ये है कि जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल रे है और रिफ्लेक्टेड रे है, ये तुम्हें एक ही जगह मिलेंगे, इकट्ठा मिलेगा, जो कि तुम इस डायग्राम पे देख भी पा रहे हो। तो बस यही है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पीवी, ये लाइट को हिंदी में क्या कहते हैं? रोशनी। ओ, तो फिर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या हुआ? लाइट मिरर से टकराया और वापस चला गया। बिल्कुल वैसे ही ना जैसे रोशनी दीदी ने आपका काट के गया। हाँ, स्क्रिप्टेड था ये, मजे नहीं, प्रैंक था गाइस, प्रैंक नहीं, कुछ नहीं, आगे बढ़ो। हाँ तो मैं क्या बता रहा था कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है समझ लिया तुमने। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहाँ काम आता है? देखो प्लेन मिरर पे काम आता है, उसके बाद स्पेरिकल मिरर पे काम आता है। स्पेरिकल मिरर में तुम्हें पता है कि कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव होता है, बट वहाँ अभी हम नहीं देखेंगे। हम देखते हैं पहले कि प्लेन मिरर में किस तरीके से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन काम आता है, जिसके लिए तुम्हें फिर जानना पड़ेगा कि इमेज कैसे बनता है प्लेन मिरर पे विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत सिंपल है, देखो मैं बस तुम्हें स्टार्ट करने से पहले ये बताना चाहूँगा कि इस चैप्टर के अंदर में कहीं भी और कभी भी जब तुम डायग्राम्स को एक्सप्लेन करोगे तो तुम सिर्फ दो ही लाइट रेस का इस्तेमाल करोगे। वैसे तो जब रोशनी कहीं से आ रहा होता है ना, लाइट कहीं से आ रहा होता है ना, तो वो मिलियंस ऑफ लाइट रेस आ रहा होता है। बट देखो यार, अगर हमें आसानी से समझना है ना डायग्राम को, तो हम सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करेंगे दो लाइट रेस का, तो यहाँ में भी हम वही करेंगे। तो यहाँ पे तुम्हारे सामने तीन चीज़ है, पहले एक प्लेन मिरर है, साइड में कैंडल है,
और नीचे है मेरा आँख जो कि किसी और चीज़ को देखने को तरस रहा है। बट क्या करे यार, नसीब फूटी है। आगे तो बस एक मिरर है और ऊपर में एक कैंडल है, ठीक है। अब इस कैंडल से निकलेगा दो रेस, क्योंकि मैंने बताया तो मैं कि कोई भी डायग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ चाहिए हमें दो लाइट रेस। तो यहाँ से दो लाइट रेस निकलेगा और वो दोनों लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करके आएगा, यानी कि एक इंसिडेंट रे मिरर पे आके टकराएगा, फिर वो उतने ही एंगल से एक रिफ्लेक्टेड रे मेरे आंखों पे आके एंटर करेगा। अब सवाल ये उठता है कि इमेज कहाँ बना। देखो, चाहे कोई भी डायग्राम हो, अगर तुम्हें कहीं भी पूछ देना कि इमेज कहाँ बनता है, तो तुम सीधा बताओगे कि जहाँ दो रिफ्लेक्टेड रे मिलेगा उस पॉइंट पे बनेगा इमेज। बट इस डायग्राम को मुझे देख के नहीं लग रहा कि ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे आपस में जाके कहीं पे मिलने वाले, डेफिनेटली कभी नहीं मिलेंगे। तो हम मान के चल रहे हैं कि ये जो दो रे है ये मेरे आंखों पे तो आके कहीं मीट नहीं करेगा, बट मिरर के अंदर बिहाइंड द मिरर कहीं पे जाके ये दोनों रे मीट कर रहा है, और जहाँ मीट कर रहा है वहीं पे बन रहा है इमेज। बस इतना सा बात है। तो तुमने प्लेन मिरर से एक चीज़ सीखा क्या, कि इमेज चाहे प्लेन मिरर पे हो, कॉन्वेक्स मिरर पे हो, या कॉन्केव मिरर पे हो, या फिर लेंस पे हो, इमेज वहाँ बनेगा जहाँ रिफ्लेक्टेड रेज दोनों मीट करेंगे। अब वो अगर आईने के पीछे करता है तो वो वर्चुअल इमेज यानी कि नकली इमेज बनेगा, और अगर आईने के बाहर करता है तो वो रियल इमेज बनेगा। रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, आगे देखेंगे हम। अब जान लो कि प्लेन मिरर का प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो जैसे मैंने बताया कि इमेज कहाँ बनता है प्लेन मिरर पे, बिहाइंड द मिरर यानी कि मिरर के अंदर, जहाँ पे दो रिफ्लेक्टेड रे हम मान के चलते कि मीट करता है, ठीक है। और मैंने बताया कि मिरर के अंदर जब भी कोई चीज़ बनता है तो वो रियल नहीं होता, यानी कि वो वर्चुअल होगा, और इरेक्टेड है मतलब सीधा खड़ा है, ठीक है। देखो, आगे जब तुम लेंस पर होगे और कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर पर होगे, वहाँ तुम देखोगे कि कहीं पे इमेज सीधा बन रहा है और कहीं पे उल्टा बन रहा है। बट प्लेन मिरर पे याद रखना, हमेशा इमेज सीधा बनता है। ऑब्वियसली बात, आज तक तुमने कोई आईना नहीं देखा होगा ऐसा जहाँ पे तुम्हारा शकल उल्टा बन के आया हो या फिर हाथ पर उल्टा बन के आया हो, ऐसा नहीं होता। प्लेन मिरर पे सीधा बनता है यानी कि इरेक्टेड होता है। और तीसरा चीज़ यह है कि आईने में ना तुम जैसे हो वैसे ही दिखेगा, यानी कि तुम्हारा जो साइज है ना इमेज का, वो ऑब्जेक्ट के बराबर होता है, और डिस्टेंस के साथ भी वही होता है। मैंने बताया प्लेन मिरर पे तुम जैसे हो वैसे ही दिखोगे भाई, डिस्टेंस और साइज दोनों बराबर रहेगा। एक चीज़ अलग होगा, जो तुम्हारा इमेज बनेगा ना मिरर के अंदर वो इन्वर्टेड होगा यानी कि उल्टा होगा। जो तुम्हारा राइट हैंड है ना एक्चुअली, वो मिरर के अंदर में वो लेफ्ट दिखेगा, और तुम्हारा लेफ्ट हैंड मिरर के अंदर में राइट हैंड दिखेगा, और तुम बिल्कुल ऐसे कन्फ्यूज हो जाओगे उस समय। तो यार, प्लेन मिरर होता है ख़त्म, अब बढ़ते हैं स्पेरिकल मिरर की ओर। देखो, स्पेरिकल मिरर नाम से समझ आ रहा है गोल, बट देखो एग्जैक्टली ये गोल नहीं होता, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बताना, आगे मैं डायग्राम के साथ बताऊंगा। बट अभी के लिए इतना समझ लो, स्पेरिकल मिरर दो तरीके का होता है, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स, ठीक है। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कॉन्वेक्स है और कौन सा कॉन्केव है? बहुत सिंपल है, बस तुम्हें दो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, रिफ्लेक्टिंग सर्फेस और नॉन रिफ्लेक्टिंग सर्फेस। देखो, आईने का वो हिस्सा जहाँ लाइट रेस आके रिफ्लेक्ट करता है ना, यानी कि आता है, टकराता है और वापस चला जाता है, उस हिस्से को कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सर्फेस। और वो हिस्सा जहाँ लाइट रेस आके टकरा के वापस नहीं जाता है ना, तुम ऐसे समझो कि आईने का जो उल्टा साइड होता है ना, अपोजिट साइड, वो क्या होता है, नॉन रिफ्लेक्टिंग सर्फेस होता है। जबकि जो आईने का आगे वाला हिस्सा होता है वो रिफ्लेक्टिंग सर्फेस होता है, जहाँ से लाइट रेस आके रिफ्लेक्ट होता है। तुम्हें बस ध्यान देना है कि रिफ्लेक्टिंग सर्फेस कौन सा है, और तुम पता कर लोगे कि कॉन्वेक्स कौन सा मिरर है, कॉन्केव कौन सा मिरर है। देखो, कॉन्केव मिरर के अंदर में रिफ्लेक्टिंग सर्फेस अंदर की तरफ होता है, इसलिए उसका नाम भी है, देखो, कॉन्केव यानी कि केव, गुफा, अंदर, ठीक है। और वहीं पे जो कॉन्वेक्स है उसके अंदर में रिफ्लेक्टिंग सर्फेस बाहर की ओर होता है, सो इसका नाम कॉन्वेक्स है। तो सिंपल सा बात यह है कि अगर रिफ्लेक्टिंग सर्फेस अंदर की तरफ होता है तो वो कॉन्केव, और बाहर की तरफ होता है तो वो कॉन्वेक्स, दैट्स इट। तो इससे पहले कि हम बढ़े अब कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर के अंदर, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि तुम जानोगे तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये दोनों कॉन्वेक्स और कॉन्केव में एक जैसा ही होता है, जहाँ डिफरेंस होगा वो मैं बताऊँगा। पहला देखो, कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉन्केव मिरर हो, दोनों के बीच से एक लाइन जाता है, उस लाइन को कहता है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब ये लाइन ना मिरर के बीचों बीच होके जाता है और एक पॉइंट पर टच करता है, जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस और मिरर टच कर रहे हैं ना, उस पॉइंट को कहते हैं पोल। ये मिरर का सेंटर पॉइंट है, ठीक है। अब देखो, ये तो मिरर का सेंटर पॉइंट है ना, बट मैंने क्या बताया था तुम्हें पहले कि ये जो कॉन्वेक्स या कॉन्केव मिरर है ये एक स्पेरिकल मिरर है, यानी कि ये गोल है, सर्कल है, तो इसका कोई एक सेंटर भी होगा।
तो जो इसका सेंटर है ना एग्जैक्ट सर्कल का सेंटर, उसे कहता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये रहा तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो पोल से लेके जो सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस है ना, इसे कहते हैं रेडियस ऑफ द कर्वेचर। ठीक है, देखो सर्कल में भी रेडियस होता है, यहाँ भी रेडियस है, क्योंकि ये भी तो एक सर्कल ही है ना। तो जो सेंटर पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर, वहाँ से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस होता है उसे कहते हैं रेडियस ऑफ द कर्वेचर। अब आखिरी दो चीज़ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में एक पॉइंट आता है जिसे कहते हैं फोकस पॉइंट या फिर प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, ऐसे तुम इस तरीके से भी कह सकते हो, जो हमने रेडियस ऑफ द कर्वेचर देखा ना कि जो डिस्टेंस है सेंटर से लेके पोल तक का उसे कहते हैं रेडियस ऑफ द कर्वेचर। तो फोकस रेडियस ऑफ द कर्वेचर का आधा होता है, यानी कि आर इक्वल्स टू 2f। ठीक है, तो सिंबॉलिकली अगर तुम देखो सेंटर ऑफ द कर्वेचर सी से रिप्रेजेंट होता है, पोल पी से रिप्रेजेंट होता है, रेडियस ऑफ द कर्वेचर आर से रिप्रेजेंट होता है और फोकस एफ से रिप्रेजेंट होता है। अभी अभी एक चीज़ और है, जो ये फोकस से लेके पोल तक का डिस्टेंस है ना इसे कहते हैं फोकल लेंथ, जो कि रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एफ से। दो चीज़ों में कन्फ्यूज मत होना, जो कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है वो ओनली फोकस पॉइंट होता है, और जो डिस्टेंस फोकस से लेके पोल तक का है उसे कहते हैं फोकल पॉइंट, जो कि स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखो ये जो फोकस है ना, या फिर तुम प्रिंसिपल फोकस है, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दो। ये वो पॉइंट है जहाँ पे जितने भी पैरेलल रेस जो लाइट रेस होते हैं वो मिरर में टकराने के बाद इस पॉइंट पर आकर मीट करता है और यह इमेज बनता है। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस पे अगर पैरेलल कोई सीधा सीधा रे मिरर पर जगह टकराएगा ना तो वो फोकस पे ही मिल रहा होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मिलने का तरीका कॉन्वेक्स और कॉनकेव में अलग होता है। जैसे कि तुम इस डायग्राम पे देख रहे हो, कॉनकेव मिरर पे जो फोकस है वो आगे की तरफ होता है और कॉन्वेक्स में मिरर के पीछे की तरफ होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैंने तुम्हें कुछ बताया था, अगर इमेज मिरर के पीछे बनता है तो उसे कहते हैं वर्चुअल इमेज, और आगे बनता है तो उसे कहता है रियल इमेज, राइट? तो अब देखते हैं इन दोनों का डिफरेंस, जो कि एग्जाम में कभी भी पूछ लेते, तो हमें भी देख लेना चाहिए। तो देखो सबसे पहला डिफरेंस, रियल इमेज हमेशा ही इन्वर्टेड होता है और वर्चुअल इमेज हमेशा ही सीधा होता है। बहुत सिंपल है, रियल इमेज उल्टा होता है और वर्चुअल इमेज सीधा होता है। अब दूसरा चीज़, जो लाइट रेस मिलता है ना आपस में वो रियल इमेज पे तो मिलता है, बट वर्चुअल इमेज में ऐसा लगता है कि हमें मिल रहा है बट वो असली में नहीं मिल रहा होता है। That's why this call virtual image, right? आईने के पीछे क्या हो रहा है हमें क्या पता, हम मान के चलते कि मिल रहा है। That's it. अब तीसरा चीज़ है, तुम ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि ये रियल इमेज क्या होता है, क्या दिखता है हमें असली में। देखो जो तुम्हारे फ़ोन की स्क्रीन पे हो गया या कोई भी स्क्रीन पे जो इमेज दिखता है ना तुम्हें, वो है रियल इमेज, टीवी की स्क्रीन पे हो कहीं भी हो। ठीक है, जबकि जो वर्चुअल इमेज होता है वो आईने के पीछे ही होता है, वो तुम्हें स्क्रीन पे नहीं दिखेगा। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट बहुत बेसिक है, रियल इमेज आईने के आगे बनता है यानी कि फ्रंट ऑफ द मिरर, और जो वर्चुअल इमेज होता है वो आईने के पीछे बनता है, ये तुम्हें पता है। और आखिरी चीज़ देखो, थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा तुम्हें क्योंकि ये लेंस के बारे में है, बट देखो जो रियल इमेज होता है ना लेंस पे पीछे की तरफ बनता है, यानी कि बिहाइंड द लेंस पे रियल इमेज बनता है और आगे की तरफ बनता है वर्चुअल इमेज, यानी कि लेंस एकदम उल्टा काम करता है मिरर से। ठीक है, तो यार मेरे जो चाइल्डहुड फ्रेंड सर्कल है ना, उनमें मैं एक लौता हूँ जो बचपन में भी सिंगल था और आज भी सिंगल है। मेरे दोस्तों को कभी कभी शक होता है कि मैं अपने गर्लफ्रेंड के बारे में उनसे छुपाता हूँ, बट उन्हें क्या पता कि उनका भाई बचपन में भी आत्मनिर्भर था और आज भी आत्मनिर्भर है। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जब तुम एग्जाम हॉल में बैठो ना तो तुम भी मेरी तरह आत्मनिर्भर रहो। एग्जाम में अगर पूछे कि इमेज कहाँ बनता है, कैसे बनता, कितना बड़ा बनता, कितना छोटा बनता है, इन सारे सवाल का जवाब तुम खुद से दे पाओ। जिसे समझना कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, स्पेरिकल मिरर पे इमेज बनने का चार तरीका होता है, फोर रूल्स होता है, वो जानना है और तुम इमेज को खुद से बना पाओगे कहीं भी और कभी भी। एग्जाम हॉल पे पता चला तुम बाथरूम में जाके बना रहे हो, नहीं, बाथरूम में जाके इमेज फॉर्मेशन नहीं करना है। और एक चीज़, अगर तुम्हें लग रहा है ना कि ये जो चार रूल्स है ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव में अलग अलग है क्या, तो मैं बस तुम्हें इतना कहना चाहता हूँ, आई गेस तुम समझ गए। तो बढ़ते हैं, तो पहला रूल ये कहता है कि जो तुम्हारे पास मिरर है ना, इसमें प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके सीधा सीधा अगर तुम कोई भी लाइन गुजारते हो तो वो लाइन जाके फोकस पे टच होगा। छोड़ो यार ये अंग्रेजी के फंडे, मैं तुम्हें सीधा सीधा बता रहा हूँ, तुम्हारे पास मिरर है और उस मिरर पे अगर कोई भी लाइट रे सीधा सीधा आके टकराता है तो वो जाके फोकस पे मीट करेगा, समझ गए?
बट देखो कॉन्केव में ये समझना आसान है क्योंकि फोकस आगे है तो सीधा रिफ्लेक्ट करके फोकस पे जा रहा है, बट कॉन्वेक्स में थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि कॉन्केव मिरर ना हमारे कालीन भैया की तरह है, आसान है समझना। कॉन्वेक्स मिरर थोड़ा डिफिकल्ट है मुन्ना भैया की तरह, बट कोई नहीं यार, मैं क्यों बैठा हूँ, मैं समझाऊंगा। देखो कॉन्केव समझ लिया, सीधा लाइन आएगा तो वो फोकस पे ही जाएगा टकराने के बाद, बट जो कॉन्वेक्स है यहाँ पे क्या होता है, सीधा लाइन आता है और ये टकरा के ऊपर की तरफ चला जा रहा है, ठीक है। बट देखो ऊपर की तरफ चला तो जा रहा है, बट हम मान के चलते हैं कि ये जो लाइन है ये बेंड होगा, बेंड होने के बाद ये फोकस पे जाके टकराएगा, क्योंकि बिहाइंड द मिरर डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। याद रखना चाहे कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव हो, तुम्हें क्या करना है, सीधा लाइन जब भी तुम मिरर पे टकराओगे तो वो जाके फोकस पे मिलेगा। अगर फोकस आगे है तो तुम आगे मिलाओगे उसे, और अगर फोकस मिरर के पीछे है तो तुम डॉटेड लाइन का इस्तेमाल करके अपना जो लाइट रे है उसे फोकस तक लेके जाओगे। बस मुद्दा ये है कि फोकस तक जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए ये तुम डिसाइड करोगे कि डायरेक्ट लेके जाओगे या डॉटेड लाइन के साथ। डायरेक्ट तुम तब लेके जाओगे जब मिरर के आगे होगा फोकस, और डॉटेड लाइन के साथ तब लेके जाओगे जब मिरर के पीछे होगा फोकस। और दूसरा रूल एकदम इसका ऑपोजिट है, यहाँ फोकस से कोई लाइन अगर आता है तो वो सीधा चला जाता है रिफ्लेक्ट होने के बाद। बहुत सिंपल है, कॉन्केव में तो तुम समझ ही गए, कॉन्वेक्स में क्या हो रहा है, देखो एक लाइन ऊपर से आ रहा है, हम मान के चलते हैं कि ये लाइन आके टकराएगा फोकस पे, ठीक है, जो कि डॉटेड लाइन से तुम देख पा रहे हो, बट एक्चुअली ये क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट होने के बाद सीधा चला जा रहा है। बट इस रे का इंटेंशन ये था कि ये फोकस को छूना चाहता था, बट छू नहीं पा रहा है तो ये बस रिफ्लेक्ट करके वापस चला जाएगा। एंड देन थर्ड रूल, ये बहुत आसान है, ठीक है, अगर तुम कोई भी लाइट रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हो तो मिरर से टकरा के वो वापस जिस लाइन से वो आया था ना उसी लाइन से चला जाएगा। तुम कह सकते हो कि मिरर ने ना जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से आया उसे कहा, तुम समझ गए, बहुत स्मार्ट हो। अब आखिरी जो है फोर्थ रूल, ये तो तुम्हें पता ही है, फोर्थ रूल फॉलो करता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को। अगर कोई लाइट आके पोल पे टकराएगा तो वो जितना एंगल से पोल पे टकरा रहा है उतना ही एंगल से रिफ्लेक्ट होकर वापस चला जाएगा। तो यही चार लॉस थे, समझ गए तुम, पहले अगर सीधा आएगा तो वो फोकस पे जाएगा, और दूसरा अगर वो फोकस से आएगा तो वो फिर सीधा चला जाएगा टकराने के बाद, और तीसरा अगर कोई सेंटर से आता है तो वो जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से चला जाएगा क्योंकि वो लोड हुए, समझ गए हो तुम। और आखिरी फॉलो करता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो कि पोल के पास आता है और वो जितना एंगल से आता है उतना एंगल से रिफ्लेक्ट करके चला जाता है, दैट्स इट। अब सीधा भरते हम कैसे बनता है इमेज कॉन्केव मिरर के अंदर पे। यहाँ पे हमें 6 डिफरेंट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखना है, पहले हम रखेंगे इन्फिनिटी पे, फिर रखेंगे हम सी के पीछे, फिर सी में रखेंगे, फिर सी और एफ के बीच में, और फिर एफ में, और एफ और पी के बीच में। ये 6 डिफरेंट पोजीशन पे हम ऑब्जेक्ट यानी कि कोई चीज़ों को रखेंगे और देखेंगे कि इसका इमेज जो है मिरर के अंदर कहाँ बन रहा है। अब मैं यहाँ पे दो चीज़ बता के तुम्हारे कन्फ्यूजन दूर करना चाहूँगा कि देखो जब भी तुम डायग्राम को बनाओगे तो दो लाइट रेस का इस्तेमाल करोगे, और ये दोनों लाइट रेस कोई भी हो सकता है, चार लॉस जो मैंने आगे तुम्हें बताया उनमें से कोई भी, जो तुम्हारा मन है तुम उसका इस्तेमाल करना। और देखो जो तुम्हें यहाँ मिल रहा है या फिर एनसीईआरटी की बुक में मिला हुआ है क्या उससे सेम है या नहीं है, मोस्ट ऑफ द केसेस पे सेम होगा, अगर सेम नहीं है इसका मतलब तुमने कहीं तो गलती किया होगा, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम गलती होता है। ये जो डिस्टेंस है ना फोकस पोल और सेंटर का, इधर क्या होना क्या चाहिए बेसिकली, ये तीनों पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए, बट अगर ये तीनों पॉइंट आगे पीछे हो जाता है तो गलतियाँ होगा। तो कहानी का लुब्बे लुब्बास ये कि अगर तुम चीज़ों को जहाँ है इक्वल डिस्टेंस पे वहाँ रखते हो ना और उसके बाद इमेज फॉर्म करते हो तो ये बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन सा रूल का इस्तेमाल कर रहे हो, इमेज सही बनेगा। तो अगर मैं इन्फिनिटी पे रखता हूँ और वहाँ से दो पैरेलल रेस पास करवाता हूँ तो तुम्हें पता है वो फोकस पे जाके मीट करेगा और यहीं पे बनेगा इमेज, राइट। तो देखो तीन चीज़ें जानना हमें, पोजीशन ऑफ इमेज जान लिया हमने फोकस पे बन रहा है, दूसरा साइज ऑफ द इमेज वो कैसा बनेगा, बहुत ही छोटा भाई तुम्हें दिख रहा है इमेज, नहीं दिख रहा है ना, बहुत ही छोटा है तो इसे कहते हैं हाईली डिमिनिश। और तीसरा चीज़ नेचर ऑफ द इमेज, तो याद रखना मिरर के आगे जो भी चीज़ें बनता है मैंने पहले ही बताया वो क्या होता है, रियल होता है और उल्टा होता है यानी कि इन्वर्टेड होता है, ये चीज़ तो ऑब्वियस है। फिर बात करते हैं अगर तुम कोई भी ऑब्जेक्ट को ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना इसके पीछे रखते हो जस्ट, तो इमेज कहाँ बनता है, तो देखो तुम्हें यहाँ पे भी दो रेस पास करना है, कोई भी दो जो तुम्हें मन करता है तुम वही पास करना, मैं यहाँ पे जो कर रहा हूँ उसका कॉपी मत करना, तुम खुद भी अलग से करके देखना, बट ध्यान ये देना कि जो सेंटर फोकस एंड पोल का डिस्टेंस बराबर हो, स्केल से करना। तो देखो मैंने यहाँ पे सी के बिहाइंड में एक ऑब्जेक्ट रखा और उसके बाद मैंने दो लाइट पास किया, पहला लाइट पैरेलल आएगा
तो जो पैरेलल आता है वो फोकस पे टच होता है, तुम्हें पता है। और दूसरा लाइन में ले रहा हो सेंटर से, तो जो सेंटर से आता है वो वापस सेंटर पे चला जाता है। अब देखो, रिफ्लेक्टेड होने के बाद ये दोनों पॉइंट एक जगह पे मीट कर रहा है। कहाँ मीट कर रहा है? सी और एफ के बीच में। तो यहीं पर बनेगा इमेज। अब देखो, क्योंकि तुम डायग्राम बना रहे हो एग्जाम के लिए, ठीक है, मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए तो तुम्हें बताया कैसे होता है नहीं होता है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें ये चीज़ ध्यान रखना, जो इमेज के अंदर में तुम ऑब्जेक्ट बना रहे हो ना, इसे तुम रिप्रेजेंट करोगे ए बी से, ठीक है। और जो इमेज बनेगा ना तुम्हारा, उसे भी तुम डॉटेड ए एंड डॉटेड बी से रिप्रेजेंट करोगे। बट अगर इमेज उल्टा बन रहा है तो तुम कैसे करोगे उसे? बी डॉट एंड ए डॉट, ये उल्टा बन रहा है ना, बी ऊपर रहता है नीचे ए, क्योंकि ये उल्टा है। और सीधा रहेगा तो तुम कैसे इस्तेमाल करोगे? ऊपर में डॉट ए एंड नीचे में डॉट बी, दैट्स इट। सो पोजिशन के बारे में बात करते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं सी के पीछे में, तो इमेज कहाँ बन रहा है? इमेज बनता है एफ और सी के बीच। और देखने से पता चल रहा है ये भी जो ऑब्जेक्ट है उससे छोटा ही है, तो हम इसे कहेंगे ये छोटा इमेज, यानी डिमिनिश इमेज है, ऑब्जेक्ट से तो छोटा ही है ये। और तीसरा चीज़ ये है कि ये रियल होगा इन्वर्टेड होगा, मैं बार बार नहीं बता रहा, और अगर मिरर के आगे कोई भी चीज़ बनता है तो वो रियल होगा इन्वर्टेड होगा, दैट्स इट। अब तीसरे के बारे में बात करते हैं, अगर तुम रखते हो कोई भी ऑब्जेक्ट को सी पे, तो तुम दो लाइट पास करोगे, पहला लाइट होगा पैरेलल, और पैरेलल पास करके वो कहाँ जाएगा? फोकस। और फिर तुमने दूसरा लाइट पास किया फोकस से, और वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल जाएगा, और ये दोनों लाइट रे जाकर टकराएगा जहाँ पे, वहीं पे बनेगा इमेज। तो कहाँ बन रहा है? यहाँ पे देखो, सी ऊपर में है, सी के नीचे बन रहा है इमेज, ठीक है। तो पोजिशन ऑफ द इमेज सी में ही बन रहा है। और जो बात रहा साइज ऑफ द इमेज का, तो तुम्हें देख के डायग्राम पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज दोनों बराबर है। और तुम्हें ये तो पता है ना ऑब्जेक्ट का साइज को किससे रिप्रेजेंट करता है? ए बी से, और इमेज का साइज को डॉटेड ए बी से, ठीक है। और नेचर ऑफ द इमेज तो मैंने बताया, आगे रहेगा तो रियल एंड इन्वर्टेड, दैट्स इट। एंड देन फोर्थ, अगर तुम रखते हो इमेज को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच, तो इमेज कहाँ बनेगा? तो ये रहा ऑब्जेक्ट, दो रे पास करना है यहाँ से, पहला रे सीधा जाएगा पैरेलल और वो टच करेगा फोकस को रिफ्लेक्ट करने के बाद। और फिर देखो दूसरा रे कहाँ जा रहा है, उससे कन्फ्यूज मत होना। तुम्हें पता है कि अगर तुम कोई भी रे सेंटर से गुजारते हो ना, तो वो मिरर से टकराने के बाद उसी पाथ पे, मतलब जिस डायरेक्शन से गया है उसी डायरेक्शन से वापस आ जाता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन होता है बट हमें पता नहीं चलता है। तो यहाँ देखो, ऊपर में मिरर पे गया और वो वापस नीचे चला गया, और कहीं एक कोना पे जाके वो ये जो पहले आने वाला रे था ना उसके साथ टकराया, बहुत दूर सी से पीछे, बिहाइंड द सी, और इमेज फॉर्म करता है वहाँ पे। तो अगर तुम यहाँ में इस चीज़ से कन्फ्यूज होगी कि मैंने कैसे सी से गुजारा है रे ऑफ लाइट को एंड देन मीट किया उसे, तो तुम यहाँ इसका इस्तेमाल नहीं करके तुम एफ से गुजार सकते हो। एफ से जाओ और उसके बाद वो पैरेलल जाएगा और वो जाके कहीं पे टच करेगा जो फर्स्ट रे था उसके साथ, और इमेज फॉर्म होगा। दोनों देखो एक जैसे ही होगा, रिजल्ट बिहाइंड द सी आएगा, यानी कि इमेज जो बनेगा वो बिहाइंड द सी बनेगा। एंड तुम्हारा जो इमेज का साइज कैसा रहेगा, तो बड़ा रहेगा थोड़ा जितना ऑब्जेक्ट था उससे, यानी कि इनलार्ज रहेगा। और आखिरी नेचर कैसा रहेगा इमेज का? रियल एंड इन्वर्टेड। एंड देन अब बात करते फिफ्थ, अगर तुम ऑब्जेक्ट को रखते हो एफ पे, तो वो कहाँ जाएगा? तो दो रे पास करना है तुम्हें, पहला रे अगर तुम एफ पे रखते हो तो सीधा जाएगा पहले एक, और वो रिफ्लेक्ट होने के बाद एफ पे जगह टच करेगा, ये तो तुम्हें पता है फर्स्ट लॉ था। एंड देन सेकेंड रे को मैंने सी से पास किया है, और तुम्हें पता है सी से अगर पास होता है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जहाँ से वो आया है वही वापस चला जाएगा। तो जब ये दोनों रे रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस जा रहे हैं ना, तो ये कहीं भी नहीं मिलने वाला, यानी कि इमेज कहीं हज़ारों किलोमीटर दूर इन्फिनिटी पे बन रहा है। और अगर तुम, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर सी से कन्फ्यूज़ हो तो तुम दूसरा लॉ का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे तुम कौन सा इस्तेमाल कर पाओगे? एफ के सामने पे पी है, तो तुम जो आखिरी रूल था हमारा कि अगर हम पोल से पास करते तो कहा जाएगा, तो तुम उसका इस्तेमाल करके देख सकते हो, आंसर तुम्हारा इन्फिनिटी आएगा। तो इमेज का पोजिशन हमेशा इन्फिनिटी होगा अगर तुम रखते हो ऑब्जेक्ट फोकस पे, और साइज़ कैसा रहेगा? बहुत ज़्यादा बड़ा रहेगा, इतना बड़ा कि हम देख भी नहीं पाएंगे, अब इस सब आते हैं। और नेचर ऑफ द इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, दैट्स इट। एंड देन लास्ट, अगर तुम रखते हो इमेज को पोल और फोकस के बिल्कुल बीच पे, तो इमेज कहाँ बनेगा? तो देखो, इमेज बनेगा आईने के पीछे, क्योंकि तुम बहुत पास रख रहे हो इमेज को, ठीक है। देखो कैसे होगा, पहला रे तुम सीधा पास कर रहे हो पैरेलल, आईने पे जाके टकराने के बाद वो एफ पे आएगा और नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। एंड देन जो सेकंड रे होगा वो पी पे जाएगा, क्योंकि इसके आगे और कोई रे है ही नहीं, ठीक है। तो तुम पी पे टकराओगे, और पी पे टकराने के बाद ये जिस एंगल से पी पे टकराया है उसी एंगल से वो वापस रिफ्लेक्ट करेगा, और करने के बाद देखो ये कहीं दूर डायरेक्शन पे, ना ही इन्फिनिटी है ना कहीं, मतलब
ये कहीं मीट नहीं कर रहा है, ठीक है, तुम समझ ही नहीं पाओगे इसे कि आगे जाके ये कहाँ मीट कर रहा है। तो हम मान के चलते हैं कि अगर कोई चीज़ तुम्हें दिख रहा है कि ये कहाँ मीट करेगा नहीं करेगा हमें पता नहीं है, तो ये बिल्कुल आईने के पीछे ही मीट कर रहा होगा। तो हम डॉटेड लाइन से अगर इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेज को मिरर के अंदर मर्ज करेंगे या फिर ज्वाइन करेंगे ना, तो एक पॉइंट आएगा, देख लो कहाँ आ रहा है, इस पॉइंट पे इमेज बन रहा है, दैट्स इट। तो पोजीशन ऑफ द इमेज बिहाइंड द मिरर और इमेज का साइज डायग्राम देखे पता चल रहा है, ऑब्जेक्ट से तो बड़ा ही इमेज का साइज, और आखिरी चीज़ नेचर ऑफ द इमेज वेरी इंपॉर्टेंट, वर्चुअल एंड इरेक्टेड। तो ये एक रेयर केस है, ठीक है, जहाँ इमेज जो क्या होता है वर्चुअल होता है और इरेक्टेड होता है। बाकी जितने भी तुमने इमेज देखे उनके मिरर के अंदर में, वो सारे कहाँ थे, इमेज के आगे ही थे, यानी कि वो रियल और इन्वर्टेड थे, बट ये रेयर केस है, ठीक है, बिल्कुल मेरी तरह वन पीस रेयर, इतना रेयर कि भाई साहब अब कोई है ही नहीं इसके लिए, मतलब किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब बात करते हैं यार यूजेस क्या क्या है कॉनकेव मिरर का। देखो पहला चीज़ तो तुम जो टॉर्च है तुम्हारे पास, सर्च लाइट, ये सब चीज़ों में तुम इस्तेमाल करते हो कॉनकेव मिरर का, एंड देन जो दाढ़ी बनाते हुए तो आईना इस्तेमाल करते हो ना, सेविंग मिरर वहाँ पे तुम देखते हो वो है कॉनकेव मिरर, एंड देन जो डेंटिस्ट लोग इस्तेमाल करते हैं ना वो भी एक कॉनकेव मिरर होता है, दैट्स इट। तो अभी हमने कंप्लीट कर लिया है कॉनकेव मिरर को, अब बढ़ते हैं कि कैसे फॉर्म होता है इमेज कॉन्वेक्स मिरर के अंदर पे, वो जानने। देखो यहाँ बहुत सिंपल है, हमें बस जानना है कि अगर हम इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज कहाँ बनेगा, और अगर हम पोल और इन्फिनिटी के बीच पे रखते हैं तो कहाँ बनेगा। तुम्हें लग रहा होगा कि अरे यार वहाँ तो 6 था यहाँ 2 क्यों है। तो अगर तुमने ध्यान से देखा है कॉन्वेक्स मिरर को, तो मिरर के आगे में ना फोकस है ना सेंटर है, ये दोनों पीछे की तरफ है। तो भाई साहब ऑब्जेक्ट को तुम रखोगे कहाँ, ये तो पता है तुम्हें कि ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के आगे रखा जाता है, या तो तुम इन्फिनिटी पे रखोगे या पोल और इन्फिनिटी के बीच में, ठीक है। पहले बात करते हैं कि अगर तुम रखते हो ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे तो इमेज कहाँ बनेगा। दो पैरेलल लाइन सीधा जाएगा, मिरर से टकराने के बाद एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा, और ये जाके कहीं भी मीट नहीं करेगा, राइट। और मैंने क्या बताया, जब कोई लाइन डायरेक्टली मीट नहीं करता है तो हम ये मान के चलते हैं कि वो मिरर के अंदर बिहाइंड द मिरर कहीं तो मीट कर रहा है। तो हमारा पहला रूल क्या था बताओ तो, अगर तुम कोई भी लाइन को पैरेलल लेके जाते हो तो वो फोकस पे मीट करेगा, चाहे वो बिहाइंड द मिरर करे या फिर फ्रंट ऑफ द मिरर करे। तो यहाँ फ्रंट ऑफ द मिरर तो कर नहीं रहा है, कहाँ कर रहा है, बिहाइंड द मिरर, समझ गए। मतलब इतना घुमा फिरा के मैं तुम्हें इतना ही बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर तुम पैरेलल लाइन को सीधा पास करते हो तो ये जो डॉटेड लाइन है ये फोकस पे जाके मिलेगा, यानी कि तुम्हारा इमेज बनेगा फोकस पे। तो तुम्हें पता चल गया कि पोजीशन ऑफ द इमेज क्या है, फोकस और बिहाइंड द मिरर, और साइज ऑफ द इमेज बहुत ही छोटा होता है, हाईली डिमिनिश, और नेचर ऑफ द इमेज वर्चुअल एंड इरेक्टेड। देखो बहुत सिंपल है, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर में चाहे इन्फिनिटी पे रखो या पोलर इन्फिनिटी के बीच में रखो, वर्चुअली बनेगा और इरेक्टेड ही बनेगा। तो सीधा बात है, अब अगर तुम इन्फिनिटी और पोल के बीच रखते हो तब कहाँ बनेगा। दो लाइट रेस को पास करना हमें, पहला तो पैरेलल जाएगा और वो जाके फोकस पे मिलेगा, राइट, ये तो तुम्हें पता है। अब दूसरा लाइन कहाँ से जाएगा इसको लेके कन्फ्यूज मत होना। देखो पहला लॉ तो हमने फुलफिल कर लिया है कि अगर तुम सीधा पास करते हो फोकस में जाता है, तो बचा क्या, पोल और सेंटर। तो अब हम क्या करेंगे, एक लाइन लेके जाएंगे जिसे हम मान के चलते कि ये लाइन ना जाके सेंटर पे जाके टच करेगा। तो शायद ये थर्ड रूल था कि अगर तुम लाइन को सेंटर पे लेके जाते हो तो क्या होता है, वो वापस चला जाता है जिस लाइन से वो आया था उसी पे। तो देखो क्योंकि सेंटर तो आगे की तरफ नहीं है, पीछे की तरफ है, तो हम मान के चलते ये जो लाइन है ना ये जाके सेंटर पे तो मीट कर रहा होगा बिहाइंड द मिरर, बट इन रियलिटी क्या हो रहा है, ये मिरर से रिफ्लेक्ट होके जिस लाइन से आया था उस लाइन से वापस चला गया। बट ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है हमें इतना पता करना था कि इमेज कहाँ बन रहा है। तो जहाँ ये दोनों लाइन मीट कर रहे हैं यानी कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो कहाँ कर रहा है, पोल और फोकस के बीच में, यानी कि बिहाइंड द मिरर, ठीक है। और साइज़ कितना है इसका, तो ऑब्जेक्ट से तो छोटा ही है तो हम इसे कहेंगे डिमिनिश, अगर ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है तो हम कहते हैं इनलार्ज, और अगर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो उसे हाईली इनलार्ज कहते हैं, और बहुत छोटा होता है तो उसे कहते हैं हाईली डिमिनिश। तो ये बहुत छोटा तो नहीं है, छोटा है तो डिमिनिश कहेंगे। और आखिरी चीज़ नेचर ऑफ द इमेज, मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं। अब हम बात करते हैं कि यूजेस क्या है कॉन्वेक्स मिरर का। पहला चीज़ तो देखो, गाड़ी देखा है तुमने, कार, बाइक्स, चाहे तुम ट्रक्स, बसेस, उसके पास में जो ड्राइवर बैठता है उस सीट के पास में एक
मिरर लगाया होता है उसे कहते हैं रेयर व्यू मिरर। इससे ना पीछे क्या हो रहा है वो देख पाता है ड्राइवर, ठीक है। तो ड्राइवर जो भी पीछे में हो रहा है उसका इमेज मिरर पे देख पाता है। और सबसे खास बात ये है कॉन्वेक्स मिरर का कि कोई भी चीज़ जो बहुत दूर है ना वो भी तुम्हें बहुत ही पास दिखता है मिरर के अंदर, तो कोई जो एक्सीडेंट होने का चांसेस है वो बहुत ही कम रहता है। देखो बुक के अंदर मैं एक क्वेश्चन भी दिया हुआ था इसीलिए कि ऐसा कौन सा मिरर है ना जो बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्ट को फुल लेंथ यानी कि मिरर के अंदर पे पूरी तरीके से दिखाया जाता है, ठीक है। देखो नॉर्मली क्या होता है अगर ऑब्जेक्ट बहुत ही बड़ा होता है तो मिरर के अंदर में उसका जो इमेज तो छोड़ो ऑब्जेक्ट ही पूरी तरीके से नहीं आ पाता है, तो इमेज का तो बात ही नहीं उठता है। तो बट देखो जो कॉन्वेक्स मिरर है उसके अंदर में जितना भी बड़ा हो ऑब्जेक्ट उसका इमेज आ जाता है। इसका एग्जांपल देखो, अब देखो आगरा फोर्ट पे एक कॉन्वेक्स मिरर है, इस मिरर पे तुम लिटरली देख सकते हो ताजमहल को जो कि बहुत ज़्यादा दूर है आगरा फोर्ट से। तो सो इसीलिए हो पाता है क्योंकि ये एक कॉन्वेक्स मिरर है। बेसिकली कॉन्वेक्स मिरर दूर की चीज़ों को सामने बहुत ही छोटा करके दिखा सकता है हमें। दैट्स इट। अभी एक नया टॉपिक पे बढ़ते हैं, साइन कन्वेंशन ऑफ स्पेरिकल मिरर। देखो अभी हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। हालांकि इस वीडियो में तो मैं न्यूमेरिकल्स तो कराऊंगा नहीं, बट समझाऊंगा कि कैसे तुम न्यूमेरिकल्स को कर सकते हो। न्यूमेरिकल्स का वीडियो अलग से आएगा, वो डिपेंड करता है कि तुम इस वीडियो को कितना सपोर्ट करते हो, कितना पसंद करते हो, कितना लाइक करते हो और कितना शेयर करते हो। तो यार वीडियो बनाने में तुम्हें पता है फटता बहुत है, और एनिमेशन तो तुम देख ही रहे हो, इतना कम समय में जितना हो सके कर रहा हूँ, ठीक है। करने में तो मैं बहुत ज़्यादा भी कर सकता हूँ, बट टाइम को देखते हुए जितना एनिमेशन ज़रूरत है उतना ही कर रहा हूँ। बट अगर तुम लोग सपोर्ट करते हो तो आगे बहुत कुछ हम कर सकते हैं एक साथ मिलके। तो यार एक शेयर, एक लाइक और एक कमेंट दिल से करना, दैट्स इट। तो जो साइन कन्वेंशन है इसके अंदर में तुम्हें समझना है कि जो मिरर्स होता है ना उसके अंदर में नेगेटिव साइन कहाँ आता है और पॉजिटिव साइन कहाँ आता है। तो इसके लिए ना तुम्हें मिरर को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ कंपेयर करके देखना पड़ेगा, जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है। तो देखो मिरर के राइट साइड में पॉजिटिव साइन होगा और मिरर के लेफ्ट साइड में नेगेटिव साइन होगा, और मिरर के ऊपर भी पॉजिटिव होगा और नीचे भी नेगेटिव होगा। याद रहेगा कहाँ मैंने क्या बताया, राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। हाँ इतना जान ली, अब दो नए चीज़ तुम्हें जानना है। तुम मिरर के आगे कोई सामान रखोगे जिसे तुम कहोगे ऑब्जेक्ट, राइट। अब इस ऑब्जेक्ट का हाइट कितना होगा उसे कहोगे तुम हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो कि रिप्रेजेंट होगा स्मॉल h से, ठीक है। अब तुम्हें हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पता है, बट ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करने के बाद इमेज भी बनाएगा, तो इमेज का हाइट कितना है इसे कहोगे तुम हाइट ऑफ द इमेज, और यह रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल h डैश से, ठीक है। अब इसके बाद ये जो पोल है ना यहाँ से लेके जहाँ तुमने ऑब्जेक्ट को रखा है इसे कहता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो रिप्रेजेंट किया जाता है यू से। मैं एक यू बता रहा हूँ क्योंकि आगे ये न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना तो न्यूमेरिकल्स भाई साहब फिजिक्स के आसान है, बट अगर कॉन्सेप्ट नहीं आएगा ना भाई साहब तो न्यूमेरिकल्स करने का फायदा नहीं है। तो ध्यान दो, पोल से लेके जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उस डिस्टेंस को कहता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है यू से। और एग्जैक्ट सिमिलरली पोल से लेके इमेज जहाँ में बन रहा है वो जो डिस्टेंस है ना उसे कहते हैं इमेज डिस्टेंस, जो रिप्रेजेंट किया जाता है वी से। तो ठीक है, तो यही चार चीज़ें तुम्हें जानना था, ठीक है। स्मॉल एच क्या होता है, स्मॉल एच डैश क्या होता है, और यू क्या होता है, और बी क्या होता है, और आई गेस तुमने जान लिया है। और एक चीज़ तुम्हें फोकल लेंथ के बारे में तो पता होगा ही, फोकस और पोल का जो डिस्टेंस है उसे कहते हैं फोकल लेंथ, और क्या है इतना ही तो जाना था। तो अब हम आ चुके हैं चैप्टर का पहला फॉर्मूला को समझने, जिसे कहते हैं मिरर फॉर्मूला। तो हम मिरर फॉर्मूला का इस्तेमाल क्यों करते हैं, हम ये चीज़ समझने में इस्तेमाल करते हैं कि अगर हम ऑब्जेक्ट को इतने डिस्टेंस पर रखते हैं ना तो उसका इमेज कितने डिस्टेंस पर बन रहा है, और उसका फोकस क्या रहेगा, फोकल लेंथ क्या रहेगा, एंड एंड ऑन ऑन, ठीक है। बहुत ज़्यादा चीज़ है, वो न्यूमेरिकल्स करके क्लियर होगा। तो इसका फॉर्मूला ये है, वन डिवाइडेड बाई वी प्लस वन डिवाइडेड बाई यू इक्वल्स टू वन डिवाइडेड बाई एफ, दैट इज़ द फॉर्मूला ऑफ मिरर फॉर्मूला, ठीक है। न्यूमेरिकल्स बाद में देखेंगे, अभी के लिए इतना समझ लो। अब बढ़ते हैं मैग्निफिकेशन क्या होता है। देखो अगर कोई भी चीज़ को तुम्हें बड़ा करके देखना है दैट्स कॉल्ड मैग्निफिकेशन। तो इमेजेस को
भरा करने में मैग्निफिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसका एक फॉर्मूला है, फिर अगर तुम्हें एग्ज़ाम में आ गया, न्यूमेरिकल्स आ गया कि मैग्निफिकेशन करके दिखाओ, तो इसका फॉर्मूला ये है, हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, बहुत आसान है, जो कि सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल एच डैश डिवाइडेड बाई स्मॉल एच, दैट्स इट। बट देखो इसका और एक फॉर्मूला है, मान लो कि तुम्हारे पास जो क्वेश्चन है वहाँ पे हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन ही नहीं है, तो अब तुम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये जो है बराबर है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ द इमेज के। यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एम इज इक्वल्स टू स्मॉल एच आई डैश डिवाइडेड बाई एच इक्वल्स टू माइनस वी डिवाइडेड बाई यू। यानी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अगर क्वेश्चन में ना मैग्निफिकेशन करने दिया गया है बट वहाँ पे हाइट के बारे में कुछ मेंशन ही नहीं है, डिस्टेंस के बारे में मेंशन है ना, तो उस डिस्टेंस के फॉर्मूला से तुम हाइट निकाल सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है हाइट और डिस्टेंस का फॉर्मूला लगभग सेम ही है, बस माइनस का डिफरेंस लगा दोगे तो दैट्स सिमिलर। सो इतना था पूरा रिफ्लेक्शन के बारे में, न्यूमेरिकल्स नहीं कराया, आगे जो न्यूमेरिकल वाला वीडियो अलग से आएगा उधर देखेंगे, बट रिफ्लेक्शन खत्म हो चुका है भाई, अब बढ़ते हम रिफ्रैक्शन के और। ठीक है, सो रिफ्रैक्शन यानी कि बेंड होना, किस चीज़ का, लाइट का और किसका, और क्यों बेंड होता है, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है तब वो बेंड होता है। और अगर तुम्हें समझ नहीं आए कि रिफ्रैक्शन कैसे काम करता है तो तुम्हें चाहिए उसके लिए लेंस, दैट्स इट। देखो इस पिक्चर को देखो, ग्लास के अंदर में पेंसिल थोड़ा अलग दिख रहा है, क्यों, ड्यू टू रिफ्रैक्शन, राइट। बेंड हुआ क्योंकि मीडियम चेंज हुआ, पहले एयर पे था फिर ये वाटर पे आ गया, तो एक सवाल उठता है, अब बेंड होता है ठीक है, बट कितना बेंड होता है यार, एक लिमिट तो होता होगा। तो देखो ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम के ऊपर। थोड़ा डिफिकल्ट था, कन्फ्यूज कर दिया मैंने, राइट, कोई बात नहीं, आसानी से समझता है। तो देखो अगर लाइट किसी मीडियम पे एंटर करता है या फिर ट्रैवल कर रहा होता है और उसका स्पीड वहाँ पे कम जाता है ना, तो उसे कहते हैं डेंसर मीडियम। और इसका एकदम अपोजिट, अगर लाइट किसी मीडियम पे ट्रैवल कर रहा है, एंटर कर रहा है और उसका स्पीड बढ़ गया, तो उसे कहेंगे रेयरर मीडियम। अब ये बिल्कुल डिपेंड करता है कि वो मीडियम क्या है, जैसे कि एयर पे ज़्यादा स्पीड होता है लाइट और वहीं पे वाटर पे उसका जो स्पीड है वो कम होता है। तो तुम कह सकते हो कि अगर यहाँ पे देखो, एयर से अगर वाटर पे रिफ्लेक्ट होके जाता है ना लाइट, तो क्योंकि ये रेयरर से डेंसर में आ रहा है तो बेंड होके ये नॉर्मल की तरफ आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, याद रखना, अगर रेयरर से डेंसर पे आएगा ना लाइट तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा, यानी कि एक नॉर्मल लाइन दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे, इस तरफ ज़्यादा झुकेगा, और वहीं पे अगर डेंसर से रेयरर पे जा रहा है तो वो नॉर्मल से दूर जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि अब स्पीड बढ़ गया है इसका, तो जब स्पीड बढ़ेगा तो ये ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा। तो समझ गया, रिफ्लेक्शन पूरी तरीके से डिपेंड करता है ऑप्टिकल डेंसिटी के ऊपर, क्योंकि देखो ऑप्टिकल डेंसिटी जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ लाइट का स्पीड कम हो जाता है, और जहाँ ऑप्टिकल डेंसिटी कम होता है वहाँ पे लाइट का स्पीड ज़्यादा होता है। अब जो भी चीज़ें मैंने तुम्हें बताया, समझाया, इन्हें करके देखते फिर हैं। बीबी क्या करके देखते हैं? एक्सपेरिमेंट यार, तुम्हें क्या लगा, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि क्या सही में जब ट्रैवल करता है लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे तो क्या उसका स्पीड चेंज होता है, और क्या स्पीड चेंज होने के कारण उसका जो बेंडिंग पॉइंट है वो भी वेरी करता है क्या। हाँ देखते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारे सामने एक रेक्टेंगुलर ग्लास है जिसके अंदर पानी है और बाहर पे पता है क्या होगा, बाहर पे हवा ही होता है भाई, वही तो फूंकते हैं हम, फूंकते हैं क्या हवा को, नहीं नहीं, हवा को तो हम सूंघते, फूंकते तो माले, ठीक है। सो पहले क्या हो रहा है, एक नॉर्मल लाइट इस ग्लास के अंदर एंटर कर रहा है, तो जो एंटर कर रहा है उसे कहते हैं इंसिडेंट रे, ये तुम्हें पता है। उसके बाद ये एंटर करने के बाद मीडियम चेंज कर रहा है, एयर से वाटर पे आ रहा है, तो अब रिफ्रैक्शन करेगा यानी कि बेंड होगा, ठीक है। तो बेंड होने के बाद देखो इसने अपना डायरेक्शन बदल लिया, अब यहाँ पे देखो दो लाइट अलग अलग से गया, एक जो बेंड होने के बाद सीधा लाइट है इसे कहते हैं नॉर्मल। आगे हमने देखा भी था, अगर रेयर से डेंसर पे आता है तो रिफ्लेक्शन होने के बाद कहा जाता है टूवर्ड्स द नॉर्मल, यानी नॉर्मल के पास जाता है, और अगर लाइट एंटर करते हुए डेंसर से रेयर पे जाता है ना तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल से दूर जाता है। तो ये पहला लाइट था जिसे कहते हैं नॉर्मल, जो कि सीधा रहता है, और एक देखो डॉटेड लाइन है, ये बता रहा है कि देखो अगर ये लाइट ना सीधा जा रहा होता, कोई मीडियम पे ट्रैवल नहीं करता तो वो बस सीधा जाता, बट क्योंकि ये रिफ्रैक्शन हुआ है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे ट्रैवल किया है, तो थोड़ा सा बेंड हुआ। अब बेंड होने के बाद देखो ये नीचे गया गया गया,
उसके बाद फिर रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पे। देखो कब, जब ये लाइट इस ग्लास से बाहर निकलेगा तो ये बेंड होगा, और बेंड होते हुए ये इस बार ऊपर की तरफ जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस बार ये डेंसर से रेयरर पे आ रहा है। तो तुम पीछे देख सकते हो, जब भी डेंसर से रेयरर पे आते हैं तो नॉर्मल से ये दूर जाता है, जो कि ये जा भी रहा है। ठीक है, तीन रेस बनता है यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में। पहला इंसिडेंट रे, यानी कि जब ग्लास के अंदर एंटर कर रहा होता है, पहला रे, दैट्स कॉल्ड इंसिडेंट रे। और दूसरा रिफ्लेक्टेड रे, जो कि रिफ्लेक्शन के बाद नीचे जा रहा होता है। और आखिरी है जो फिर दोबारा रिफ्लेक्शन होने के बाद ग्लास से जो निकला हुआ रे, इसे कहते हैं इमर्जिंग रे। हाँ, तो ठीक है, ये हो गया। अब सवाल ये उठता है कि हमने एक्सपेरिमेंट किया क्यों, इसका नतीजा क्या निकला। देखो, इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद हमें ये पता चला कि लाइट का स्पीड चेंज होता है ड्यू टू ऑप्टिकल डेंसिटी। देखा हमने, पहले एयर पे था, फिर जब वो वाटर पे गया तो वो बेंड होके नीचे की तरफ गया, फिर जब वो वाटर से एयर पे आया तो फिर वो बेंड हुआ और ऊपर की तरफ गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि उसका स्पीड चेंज हुआ। स्पीड क्यों चेंज हुआ? क्योंकि ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज हुआ, यानी कि पहले मीडियम अलग था, फिर मीडियम कुछ अलग हुआ, और फिर मीडियम कुछ अलग हुआ। सो रिकॉल करते एक बार, हमने क्या क्या पढ़ा। हमने देखा कि रिफ्रैक्शन यानी कि बेंडिंग ऑफ लाइट। अब बेंड कितना करता है ये डिपेंड करता है उसके स्पीड के ऊपर। स्पीड यानी जो लाइट घुस रहा है किसी भी मीडियम पे, उसका स्पीड कितना है। और ये स्पीड फिर डिपेंड करता है कि किस मीडियम पे रे ऑफ लाइट ट्रैवल कर रहा है, यानी कि ऑप्टिकल डेंसिटी जो होता है मीडियम का, उसके ऊपर डिपेंड करता है स्पीड। अब यहीं पे रुक जाओ यार, रुक जाओ। न्यूमेरिकल्स का नाम है फिजिक्स में, राइट? फिजिक्स न्यूमेरिकल्स के बिना तो चलता ही नहीं ना। तो अब ये जो ऑप्टिकल डेंसिटी मैं बता रहा हूँ, जिसके ऊपर स्पीड डिपेंड करता है और स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है बेंडिंग ऑफ लाइट, इसमें एक चीज़ को हटा के नया चीज़ लाते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी जो मैं कह रहा हूँ ना पहले से, इसे हटा के अब हम कहेंगे इसे रिफ्रैक्शन इंडेक्स। मैं तुम इतने देर से ऑप्टिकल डेंसिटी इसलिए कह रहा था कि तुम समझ पाओ कि कॉन्सेप्ट क्या है। बट प्रैक्टिकल लाइफ पे आता है, न्यूमेरिकल्स करना है तो न्यूमेरिकल्स अगर करना है तो ये बात जान लो, बेंडिंग ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड करता है कि उस मीडियम का, यानी कि जिस मीडियम पे लाइट ट्रैवल करेगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। अब जैसे कि देखो, तुम्हारे बुक के अंदर में ना कुछ वैल्यूज दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, जैसे कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.0003, उसके बाद वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33, इसी तरीके से बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। और इसमें से सबसे खतरनाक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है डायमंड का 2.42, यानी कि लाइट मुश्किल से ही डायमंड के अंदर ट्रैवल कर पाएगा, क्योंकि बहुत ही ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है इसके अंदर में, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला चीज़ है, तो लाइट तो इधर ट्रैवल नहीं कर पाएगा, बहुत स्लो हो जाएगा। अगर ट्रैवल करता भी है तुम्हें आँखों से तो नहीं दिख पाएगा भाई। तो मैंने अब तुम्हें रिलेट तो करवा दिया ना कॉन्सेप्ट को, कि लाइट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस तरीके से एक साथ काम करता है। अब थ्योरेटिकली देख लो कि क्या है एग्जैक्टली डेफिनेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से तुम मेज़र कर सकते हो क्या बेंडिंग ऑफ लाइट कितना होता है किसी भी मीडियम के अंदर में जब वो ट्रैवल करता है। ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम, दैट्स इट। और मैंने बताया स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड करता है पूरी तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। ठीक है, तो सिम्बॉलिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को प्रेजेंट किया जाता है एन से। और जो इसका फॉर्मूला है, उसके ऊपर ध्यान दो, तीन फॉर्मूला है। ठीक है, एन यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम वन और मीडियम टू। जब तुम कोई चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे ना, तो सिर्फ एक का नहीं निकालोगे, रिफ्रैक्शन होते हुए दो मीडियम होता है। ठीक है, तो देखो, मान लो तुम्हारे पास गिबन है क्वेश्चन के अंदर पे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना मीडियम वन पे कितना होता है वो, तो तुम्हें बस अब निकालना है कि मीडियम टू के अंदर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। ठीक है, तो अगर मीडियम वन गिवन है और तुम्हें बस निकालना है मीडियम टू, तो तुम इस्तेमाल करोगे एन टू। देखो, मैं यहाँ पे लिख के भी दिखा दे रहा हूँ, एन यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना किसका है, टू का निकालना है इफ़ मीडियम वन इज़ गिवन। मतलब अगर वन का गिवन है तो टू का कितना होगा, उसका फॉर्मूला है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू, जो तुम सिम्बॉलिकली कुछ इस तरीके से लिखोगे वी वन डिवाइडेड बाय वी टू। और इसका बिल्कुल अपोजिट ले लो, अगर क्वेश्चन पे गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम टू का, तो क्या करोगे तुम, एन लिखोगे, और जो हमें फाइंड करना होता है ना वो आगे लिखते हैं एन के साथ। तो एन वन निकालना है इस बार इफ गिवन टू। ठीक है, अगर टू गिवन है, यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ एन वन टू का फॉर्मूला है स्पीड ऑफ लाइट
इन मीडियम टू डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन, और जो इसको सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करोगे वी टू डिवाइडेड बाई वी वन। ये जो दो तुमने अभी देखा फॉर्मूला, इसे कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। बट क्वेश्चन में ना कभी कभी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पूछता है। एब्सोल्यूट यानी कि देखो अगर क्वेश्चन के अंदर में कहीं भी मेंशन है एयर और वैक्यूम के बारे में कुछ भी, तो समझ जाना कि ये बात कर रहा है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। क्योंकि देखो स्पीड ऑफ लाइट जो होता है ना एयर और वैक्यूम के अंदर में बराबर रहता है। याद रख लेना 3 × 10⁸, ठीक है, ये है स्पीड ऑफ लाइट जो कि वैक्यूम और एयर के अंदर पे। तो अगर क्वेश्चन के अंदर पे गिवन है स्पीड ऑफ लाइट एयर या वैक्यूम का, तो तुम इस्तेमाल करोगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, जिसका फॉर्मूला है nm इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, विच इज सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंटेड बाई सी डिवाइडेड बाई वी। ठीक है, सी ऑब्वियस सा बात तुम्हारे पास क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर गिवन नहीं भी होता है, मैंने वैल्यू बता दिया तुम्हें कि क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू, और जो दूसरा मीडियम होगा जो कि क्वेश्चन में निकालने कहा जाएगा तुम्हें, वो तुम निकाल लोगे अगर तुम्हें पता है एयर का स्पीड कितना है या फिर वैक्यूम का स्पीड कितना है। ठीक है, बहुत आसान है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ गए। अब इससे थोड़ा सा रिलेटेड और एक कॉन्सेप्ट, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। अभी कुछ ही देर पहले हमने पढ़ा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को, राइट। वहाँ हमने क्या देखा था, जब भी रिफ्लेक्शन होता है तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे एक साथ रहता है। तो यहाँ भी बिल्कुल सेम है, जब भी रिफ्लेक्शन होता है नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे एक साथ रहता है एक ही प्लेन के अंदर में। ठीक है, अब फिर दूसरा लॉ क्या था वहाँ पे, कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो था ना वो इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, यानी कि आई इज इक्वल्स टू आर। यहाँ में भी ना सेम ही है, देखो आई और आर तो इक्वल होगा बट उसका एंगल इक्वल नहीं होगा। ठीक है, उसका जो एंगल का जो रेशियो होगा ना, उसका जो आंसर होगा ना, वो सेम होगा या कॉन्स्टेंट होगा। देखो कॉम्प्लिकेटेड है, राइट। देखो ये जो लॉ है यहाँ क्या लिखा हुआ है, रेशियो ऑफ ए साइन ऑफ ए एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ ए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉन्स्टेंट। क्या कहना चाह रही है, देखो ये क्या है, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर। वहाँ मैं ये चीज़ बोल रहा था कि साइन आई जो होगा वो अगर तुम डिवाइड करते हो साइन आर से तो वो कांस्टेंट होगा। देखो यहाँ भी तो कांस्टेंट है, समझ गया ना। हाँ समझ नहीं समझे, कोई बात नहीं, अब इस एग्जांपल के साथ जरूर समझ जाओगे। देखो यहाँ मैं तुम्हारे सामने तीन जगह में रिफ्रैक्शन हुआ है, अलग अलग एंगल से हुआ है। ठीक है, कहीं 30 डिग्री से हुआ है, कहीं 60 डिग्री से हुआ है, कहीं 50 डिग्री से हुआ है, बट मुद्दा वो नहीं है। देखो अगर मैं इनका जो एक साइन आई बाई डिवाइडेड बाई साइन आर का जो वैल्यू निकालता हूँ ना, तो देखो जो फर्स्ट दो है उसमें सिमिलर होता है और तीसरा वाला में अलग है। बट अभी तो हमने पढ़ा ना कि अगर तुम इन दोनों को डिवाइड करते हो तो उसका वैल्यू सेम आएगा, बट तुमने पूरा नहीं पढ़ा हुआ और मैंने भी पूरा बताया नहीं तुम्हें, जस्ट बिकॉज अभी मैं उसे बताऊंगा। देखो ऐसा कब होगा कि तुम जब जो साइन आई और साइन आर को डिवाइड करोगे ना, तो उसका वैल्यू कॉन्स्टेंट या फिर सेम तब आएगा जब लाइट का जो कलर है ना वो सेम रहेगा और दो मीडियम जो इसमें तुम ट्रैवल करवा रहे हो वो भी सेम होना चाहिए। जैसे कि देखो जो फर्स्ट दो एग्जांपल है वहाँ पे दोनों मीडियम सेम है, नॉर्मल वाटर है, बट जो तीसरा मीडियम है वो देखो है तो एयर से वाटर ही बट वो कोल्ड वाटर है, तो कोल्ड वाटर में फिर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग हो जाता है, इसके वजह से वहाँ में वैल्यू भी अलग आया, बट जो आगे दो थे उसका वैल्यू सेम आया है। तो सिंपली ये लो यही कहना चाह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो निकालोगे ना वो कांस्टेंट होगा। कब कांस्टेंट होगा, जब तुम्हारा लाइट जिससे तुम पास कर रहे हो रिफ्रैक्शन कर रहे हो उसका कलर सेम होगा और जिस मीडियम पे तुम रिफ्रैक्शन कर रहे हो वो भी सेम होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तुम अलग मीडियम पे करोगे तो सेम आएगा, नहीं, दो मीडियम अगर सेम सेम होते हैं तो उनका जो वैल्यू होगा वो भी कांस्टेंट रहेगा यानी सेम रहेगा। और ये जो मैंने तुम्हें पूरा बताया ना सेकंड लॉ, इसी को कहता है स्नेल्स लॉ। ठीक है, याद रहेगा तो ठीक है ना यार, तुम समझ गए अब स्नेल्स लॉ क्या है। जब कांस्टेंट वैल्यू रहता है डिवाइड करने के बाद एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को, तो उसे कहते हैं स्नेल्स लॉ। और कब कांस्टेंट रहेगा, जब जो मीडियम है वो सेम रहेगा और कलर सेम रहेगा उस मीडियम पे लाइट का। ठीक है, अब एक चीज़ और देखो, छोटा सा चीज़ है, ये जो वैल्यू निकल रहा है ना फिक्स्ड वैल्यू जिसे तुम कांस्टेंट कहते हो, इस कांस्टेंट को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम टू विथ रेस्पेक्ट ऑफ मीडियम वन। यानी कि जो फिक्स वैल्यू तुमने निकाला ना स्नेल्स लॉ से, वो फिक्स वैल्यू और कुछ और नहीं, तुम निकाल रहे हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो तुम अगर ऐसे भी कह सकते हो कि जब तुम न्यूमेरिकली इसे करोगे, तुम स्नेल्स लॉ से क्या निकाल सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हो। देखो कनेक्ट कर दिया ना मैंने, फिर से न्यूमेरिकल्स पे ही मदद देगा फिर से। ठीक है,
तो स्नेल्स लॉ से क्या निकाल सकते हो तुम? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो। फॉर्मूला तुम्हें पता है, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर। दैट्स इट। तो नेक्स्ट मंथ मेरा एग्जाम है, ठीक है, और मैं पढ़ भी रहा हूँ एग्जाम के लिए, ऐसा नहीं है, बट पढ़ते पढ़ते यार थक जाता है इंसान, समझते हो तुम भी। तो पढ़ते पढ़ते थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ और फ़ोन चला लेता हूँ। बट जब मैं फ़ोन चला रहा होता हूँ ना यार, माई मॉम बी लाइक, हाँ हाँ दिन भर बैठे बैठे ऐसे फोन ही चलाओ, हाँ चलो चलो चलो, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं होता भी कौन हूँ बोलने वाला, हाँ चलो। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लाइक लिटरली अभी 4 घंटे से पढ़ रहा था मैं, तब नोटिस नहीं किया, अभी 2 मिनट का ब्रेक भाई, 2 मिनट का, दिन भर फोन चला रहा हूँ लिटरली। खैर यार देखो, मेरे ज़िंदगी में ना ये दुख जो है वो ख़त्म होते होते रहा, जन्मों जन्मों का रिश्ता है हमारा, तो कोई बात नहीं, हम बढ़ते हैं चैप्टर पे, ठीक है। तो हमने अभी तक रिफ्रैक्शन किया होता जाना, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जाना, अब रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है लेंस के अंदर में वो जानते हैं। तो लेंस 2 तरीके का होता है, ये तुम्हें पता है, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव। तो इन दोनों में कैसा डिफरेंस पता करोगे तुम? देखो ऐसा मानते हैं ना, लेंस जो होता है वो बना हुआ एक स्पेरिकल शेप का, 2 साइड से देख रहे हो तुम, स्पेरिकल शेप मतलब दोनों तरफ से गोल होता है, राइट? तो देखो दोनों लेंस का जो साइड का एरिया है वो कैसा है, गोल टाइप का है, ठीक है, बट यही पे डिफरेंस है। अगर जो स्पेरिकल सरफेस यानी कि जो ये गोल सरफेस है ना, ये बाहर की तरफ होता है, आउटवर्ड होता है, तो उसे कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस, और अगर यही गोल सरफेस यानी कि स्पेरिकल सरफेस अंदर की तरफ होता है तब उसे कहते हैं हम कॉन्केव लेंस। ऑब्वियस सब आते हैं केब यानी कि अंदर की तरफ, तो अगर गोल सरफेस अंदर की तरफ होता है तो केब, बाहर की तरफ होता है तो वैक्स, कॉन्वेक्स कॉन्केव, दैट्स इट। और क्योंकि इन दोनों लेंसेस के अंदर ही दोनों तरफ में क्या होता है, शेप बना हुआ है, इसीलिए इसे कहता है डबल कॉन्वेक्स एंड डबल कॉन्केव लेंस। और आखिरी चीज, तुम कॉन्वेक्स लेंस के मदद से लाइट रेस को फोकस की तरफ कन्वर्स करते हो, तो इसे कहता है कन्वर्जिंग लेंस, और इसका एकदम अपोजिट कॉन्केव लेंस में लाइट को तुम फोकस से दूर लेके जाते हो, तो ये है डाइवर्जिंग लेंस, दैट्स इट। तो ये था छोटा सा डिफरेंस कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस में। अब बढ़ते हैं कि अगर तुम्हें कॉन्वेक्स लेंस के बारे में समझना है, कैसे काम करता है नहीं करता है, तो इसके अंदर में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है वो जानते हैं। देखो तुम्हारे सामने ये लेंस है तो कॉन्वेक्स ही, बट मान लो कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव हो, दोनों में सेम ही रहता है, तो इस लेंस के बीचों बीच से एक लाइन जाएगा सीधा, उसे कहेंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और देखो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस ने ना, जिस पॉइंट पे बीचों बीच इस लेंस को काटा है ना, उस पॉइंट को कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि ये लेंस का सेंटर पॉइंट है। अब उसके बाद तुम्हें पता है कि लेंस जो होता है 2 स्पेरिकल शेप से बना हुआ है, तो इसका भी सेंटर होगा, ठीक है, तो इसका 2 सेंटर होता है, हमने मिरर पे देखा था उसका 1 सेंटर था, राइट, बट क्योंकि ये 2 स्पेरिकल शेप से बना हुआ है दोनों तरफ, तो हम इधर देखते हैं कि इसका 2-2 सेंटर होता है और 2-2 फोकस भी होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ है, तुम जरूर कन्फ्यूज होने वाले हो, चाहे एग्जाम में हो, यहाँ पे हो, या एनसीईआरटी की बुक में हो, ये 2F2 2F1 ये क्या है? फोकस तो समझ में आ रहा है, एफ से फोकस होता है और 2 फोकस भी है, बट फोकस के बाहर भी ये क्या है? यहाँ तो सेंटर होना चाहिए था ना। तो देखो सेंटर की जगह हम इस्तेमाल करते हैं 2F1 और 2F2 को, ठीक है, यानी कि 2 फोकस है, उसके बाद फिर और 2 फोकस है, और वो बाकी का जो 2 फोकस है ना वो रिप्रेजेंट करता है सेंटर, 2-2 सेंटर जो है ना उन दोनों को रिप्रेजेंट करता है 2F2 और 2F1, ठीक है। और फोकल लेंथ क्या होता है वो तो तुम्हें पता है, फोकस और जो ऑप्टिकल सेंटर होता है उसका बीच का डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं। और अब एपर्चर क्या होता है, तो लेंस है तुम्हारे पास, उसका डायमीटर यानी कि उसका जो हाइट होता है ना उसे कहते हैं एपर्चर ऑफ अ लेंस, दैट्स इट। तो अब जितने बेसिक कॉन्सेप्ट है जो तुम लेंस पे इस्तेमाल करोगे वो तुमने जान लिया, अब जानो क्या क्या रूल्स है जिससे तुम इमेज फॉर्मेशन कर सकते हो लेंस के अंदर में। जैसे हमने मिरर के अंदर पे देखा था 4 रूल्स था जिसका इस्तेमाल करके तुम कहीं भी इमेज फॉर्म कर सकते हो, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ भी है, बट यहाँ 4 नहीं है 3 है, और 2 तो एग्जैक्ट मिरर जैसे ही है, बस 1 अलग है। सो पहला रूल, अगर कोई तुम सीधा पैरेलल लाइन को लेंस से टकराओगे तो रिफ्रैक्ट होने के बाद वो फोकस में जाएगा। कॉन्वेक्स में समझना आसान है क्योंकि ये सीधा जाके फोकस पे मिल रहा है, बट कॉन्केव में थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि कॉन्केव जो लेंस है ना ये एक
डाइवर्जिंग लेंस, यानी कि रिफ्रैक्ट होने के बाद ये बाहर की तरफ जाता है। बट कोई बात नहीं, जो डॉटेड लाइन है उससे समझना कि जो डॉटेड लाइन है ये आके रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस पे मिल रहा है, दैट्स इट। उसके बाद जो दूसरा रूल है ये कहता है कि अगर तुम कोई लाइन को फोकस से पास करोगे ना तो रिफ्रैक्ट होने के बाद ये सीधा हो जाएगा और पैरेलल जाएगा, दैट्स इट। पहला रूल का अपोजिट है ये। एंड देन लास्ट रूल ये कहता है कि अगर जो लेंस का जो सेंटर पॉइंट है ना, जिसे कहते हैं ऑप्टिकल सेंट, यहाँ से अगर तुम कोई लाइट रेस को पास करोगे तो सीधा चला जाएगा, लिटरली कहीं भी जहाँ जाना होगा वहाँ जाएगा, समझ रहे हो बात? और कहा जाता है लाइन, तुम्हें पता है, आगे मैंने बोल रहा ठीक है, रूल समझ गए तुम। अब बढ़ते इमेज फॉर्मेशन पे, ठीक है। पहले देखते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस के अंदर में इमेज कहाँ फॉर्म होता है। तो अगर तुम रखते हो इमेज को इन्फिनिटी पे, दो लाइन पास करोगे, दोनों पैरेलल होगा और वो रिफ्रैक्ट होने के बाद मिलेगा जाके फोकस पे, तो इमेज भी बनेगा फोकस पे। तो पोजीशन ऑफ द इमेज F2, और साइज़ बहुत ही छोटा ही है, दिख भी नहीं रहा है, तो हाईली डिमिनिश। और नेचर कैसा रहेगा इमेज का, रियल एंड इन्वर्टेड। देखो एक स्मार्ट ट्रिक बता रहा हूँ, लेंस के अंदर में ना अगर एक्चुअल लाइन जगह कहीं मीट कर रहा है और इमेज फॉर्म हो रहा है तो वो होगा हमेशा ही रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर डॉटेड लाइन से कोई इमेज बन रहा है ना तो वो क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्टेड। अब उसके बाद मान लो तुमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ द कर्वेचर के पीछे रखा, यानी कि 2F1 जो है तुम्हारा, जिसे तुम सेंटर ऑफ द कर्वेचर कहते हो, उसके पीछे रखोगे तो इमेज कहाँ बनेगा। सेम है, दो लाइन पास करना है हमें, पहला लाइन पैरेलल जाएगा जो कि हमेशा पता है तुम्हें, कोई लाइन सीधा पैरेलल रिफ्रैक्ट होने के बाद मिलता जाके फोकस पे, और दूसरा लाइन जो होगा वो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। और ऑप्टिकल सेंटर से जाके कहीं मीट करेगा दोनों और वही इमेज बनेगा। तो देखो इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज बन रहा है F2 और 2F2 के बीच पे, तो पोजीशन ऑफ द इमेज यही रहेगा बिटवीन F2 एंड 2F2। एंड जो साइज ऑफ द इमेज है वो ऑब्जेक्ट से छोटा है तो ये डिमिनिश होगा, और नेचर ऑफ द इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, पता है तुम्हें। अब यहाँ पे और एक बोनस टिप तुम लोगों के लिए, तीन रूल पढ़ा था हमने रे डायग्राम कैसे बनेगा नहीं बनेगा उसको लेकर, ठीक है। बट देखो यहाँ में ज़्यादातर इमेज फॉर्मेशन में 1 और 3 का इस्तेमाल कर रहे हैं हम। 1 क्या था, सीधा लाइन फोकस पर जगह मीट करेगा, और 3rd क्या था, अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है तो वो सीधा चला जाएगा। तुम सेकेंड वाला का भी इस्तेमाल कर सकते हो बट वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो तुम भी जब फॉर्म करना इमेज तो 1 और 3 का इस्तेमाल करना। और अगर अभी भी कन्फ्यूज हो रहे हो तो पीछे से रिवाइंड करके जरूर देखना। तो हम सीधा बढ़ते हैं कि अगर तुम ऑब्जेक्ट को रखते हो सीधा F2-1 पे, यानी कि अगर एग्जैक्ट सेंटर ऑफ द कर्वेचर पे रखते हो ना तो इमेज कहाँ बनेगा। तो बहुत आसान है, देखो दो लाइन पास करना है, एक सीधा और एक ऑप्टिकल सेंटर से, दोनों मीट करेगा कहीं जाके, कहाँ मीट कर रहा है, ये जो दूसरा सेंटर ऑफ द कर्वेचर लेंस के पीछे में है जिसे तुम कहते हो 2F2, वहाँ जाके इमेज फॉर्म करेगा। पोजीशन ऑफ द इमेज बहुत आसान है, 2F2 में बन रहा है, साइज़ सेम रहेगा, और नेचर हमेशा की तरह रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि डॉटेड लाइन होता है तब जाके वर्चुअल होता है, नॉर्मल लाइन से नॉर्मल इमेज बनेगा, यानी कि रियल और इन्वर्टेड बनेगा। अब बात करते हैं कि अगर तुम इमेज को रखते हो 2F1 और F1 के बीच पे तो इमेज कहाँ बनेगा। फिर हमेशा की तरह दो लाइन पास करना है, एक सीधा एक ऑप्टिकल सेंटर से, दोनों कहीं मीट करेगा, कहाँ मीट कर रहा है, 2F2 के पीछे में मीट कर रहा है, यानी कि बिहाइंड द 2F2 पोजिशन ऑफ द इमेज। और कैसा ही है इमेज का साइज, तो ऑब्जेक्ट से तो बड़ा है तो इनलार्ज, और नेचर ऑफ द इमेज हमेशा की तरह रियल एंड इन्वर्टेड। एंड देन अगर तुम रखते हो एग्जैक्ट फोकस पे, यानी कि F1 पे, तो इमेज कहाँ बनेगा। हमेशा की तरह दो लाइन पास करना है, पहला सीधा रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस पे, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से जो कि सीधा जाएगा, और दोनों लाइन कहीं पे मीट करेगा, कहाँ मीट कर रहा है, देखो कहीं नहीं मीट कर रहा है क्योंकि रिफ्रैक्ट होने के बाद दोनों पैरेलल लाइन इन्फिनिटी पे चला जा रहा है, तो इसका जो पोजीशन ऑफ द इमेज होगा वो इन्फिनिटी रहेगा, और साइज इन्फिनिटी पे तो बहुत ही बड़ा बनता है, तो हाईली इनलार्ज, और नेचर ऑफ द इमेज रियल एंड इरेक्टेड, ठीक है। अब आखिरी, अगर तुम रखते हो अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच पे, तो कहाँ बनेगा। बहुत आसान है, दो लाइट पास करना है, पहला सीधा जाएगा रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस पे आएगा, और दूसरा जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से जो कि सीधा जाएगा। अब देखो ये भी क्या हो रहा है कि कहीं भी मीट नहीं कर रही है, लिटरली ना ये पैरेलल है, पैरेलल होता तो हम इसे कहते हैं इन्फिनिटी पे, बट ये पैरेलल भी नहीं है, ये अलग डायरेक्शन पे जा रहा है, वो अलग डायरेक्शन पे जा रहा है। तो मैंने तुम्हें आगे याद करूँ क्या बताया था, अगर तुम्हें पता नहीं कि इमेज कहाँ जा रहा है आगे की तरफ एक्चुअली, तो तुम डॉटेड लाइन के साथ इसे मिरर के पीछे करते थे, तो यहाँ लेंस के पीछे करोगे, ठीक है। तो डॉटेड लाइन के साथ ये देखो पीछे की तरफ
2F1 जो है उसके पीछे, मतलब बिहाइंड द 2F1 पे इमेज बन रहा है। तो पोजीशन कहाँ रहेगा, जहाँ ऑब्जेक्ट है उसी के पास में, बस पीछे रहेगा कहाँ, एग्जैक्ट बोलो तो बिहाइंड द 2F1, ठीक है। और साइज तो ऑब्जेक्ट से तो बड़ा ही है इमेज का, तो लार्ज, और क्योंकि ये डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट है तो क्या रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्टेड। सो दैट्स हाउ जितने भी कॉन्वेक्स इमेजेस थे वो हमने बना लिया। अब बढ़ते हैं कि कॉन्केव लेंस में कैसे इमेजेस बनेगा। तो यहाँ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस दो ही है। अगर तुम रखते हो इन्फिनिटी पे तो कहाँ बनेगा, हमेशा की तरह दो लाइन पास करना है हमें, राइट। तो तुम्हें पता है इन्फिनिटी पे हमेशा दो पैरेलल लाइंस जाता है, और क्योंकि कॉन्केव मिरर जो है डाइवर्जिंग लेंस है, तो लाइट रे रिफ्रैक्ट होने के बाद बाहर की तरफ चितर बितर हो जाएगा, बट डॉटेड लाइन के साथ ही आके फोकस में मीट करेगा और फोकस पे इमेज बनेगा। तो पोजिशन ऑफ द इमेज, फोकस, साइज ऑफ द इमेज बहुत ही छोटा यानी कि हाईली डिमिनिश, एंड नेचर ऑफ द इमेज क्योंकि डॉटेड लाइन्स है तो ये होगा वर्चुअल एंड इरेक्टेड। अब आखिरी, अगर तुम रखते हो अपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और जो तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर है ना उसके बीच में कहीं भी, तो इमेज कहाँ बनेगा। तो देखो तुम्हें दो लाइन पास करना है, ठीक है, पहला सीधा पैरेलल जो कि रिफ्रैक्ट होने के बाद ऊपर की तरफ जा रहा है, बट इसका डॉटेड लाइन जो है ये फोकस की तरफ आ रहा होगा, और दूसरा जो कि तुम पास करोगे ऑप्टिकल सेंटर से तो वो नीचे की तरफ जा रहा है। बट देखो ये डॉटेड लाइन और ये जो लाइन सेकंड में ऑप्टिकल सेंटर की तरफ जा रहा है ये कहीं मीट कर रहा है, कहाँ मीट कर रहा है, F1 और O यानी कि ऑप्टिकल सेंटर के बीच पे। तो इमेज बनेगा बिटवीन F1 एंड O, एंड साइज ऑफ द इमेज छोटा है ऑब्जेक्ट से तो डिमिनिश, एंड क्योंकि ये डॉटेड लाइन से बना हुआ इमेज है तो ये वर्चुअल एंड इरेक्टेड होगा। दैट्स इट, कंप्लीट कर लिया हमने इमेज फॉर्मेशन। आई होप तुम लोगों को जो भी इमेजेस फॉर्म किया मैंने वो तुम्हें समझ आया होगा, नहीं आया तो एक बार रिवाइंड करके देख सकते हो। और उसके अलावा ये चार्ट है तुम लोगों के सामने कि आसानी से तुम कैसे समझोगे, NCERT पे भी दिया हुआ है, वहीं से मैंने उठा के यहाँ पे डाला है। तो ऐसा कोई है नहीं कि मैंने रॉकेट साइंस कर दिया है, तो तुम वहाँ देख सकते हो या यहाँ देख सकते हो, इट्स अप टू यू। बट तो इमेज फॉर्मेशन हो चुका है, अब देखते हैं साइन कन्वेंशन कैसा रहता है स्फेरिकल लेंस के अंदर में, ठीक है। हमेशा की तरह मैंने बताया जब भी साइन कन्वेंशन पढ़ोगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को रेफरेंस लेते हुए लेंस को देखोगे, जहाँ में क्या होगा, लेंस का जो आगे वाला हिस्सा है वो पॉजिटिव रहता है, लेंस का पीछे वाला हिस्सा नेगेटिव होता है, ऊपर वाला पॉजिटिव होता है, अगेन नीचे वाला नेगेटिव होता है, ये तुम्हें पता है। बाकी जो बात रहा कि ये साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो न्यूमेरिकल्स के अंदर में ज़्यादातर जो इमेज फॉर्मेशन होने के बाद डिस्टेंस का साइन क्या होता है इमेज का, हाइट जो होता है इमेज का उसका साइन क्या होता है, इन सब चीज़ों में हम इस्तेमाल करते हैं। ये जो भी चीज़ है, हाइट ऑफ द इमेज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, इन सब के बारे में मैंने मिरर में बताया हुआ है, मिरर और लेंस में एक जैसा है, तो तुम खुद से देख लेना उसे। बाकी हम बढ़ते हैं अभी जो फॉर्मूला है लेंस का उसे जानने, बहुत ईजी है ये, जो तुमने पहले मिरर फॉर्मूला देखा था ना एग्जैक्ट ऐसा ही है, बस साइन का फर्क है यहाँ पे। देखो मिरर फॉर्मूला में वहाँ पॉजिटिव साइन था, बट यहाँ लेंस फॉर्मूला में नेगेटिव साइन है, बस यही एक छोटा सा डिफरेंस है। फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, 1/V माइनस 1/U इक्वल्स टू 1/F। देख रहे हो बस यहाँ माइनस है वहाँ प्लस था, और बाकी जो बात रहा मैग्नीफिकेशन का, तो एग्जैक्ट फॉर्मूला मिरर में जैसा था लेंस में भी वैसा ही है। एक चीज़ है, सेकंड जो फॉर्मूला है उसके अंदर में पहले क्या था, नेगेटिव था, बट लेंस के अंदर में माइनस नहीं लगेगा, सीधा बात है V/U होगा अगर तुम्हें डिस्टेंस निकालना है। बाकी सब चीज़ें सेम है, इसलिए मैं यहाँ डिटेल में नहीं बता रहा। अगर तुम्हें मिरर के बारे में पता है तो यहाँ भी वो चीज़ एग्जैक्ट है। झूठ मूठ का बताया कि वीडियो का लेंथ लंबा करने का फ़ायदा नहीं, ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। खैर बस एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो जान लो, जो मैग्नीफिकेशन करोगे ना तो उसका एक वैल्यू आता है कैलकुलेशन करने के बाद, ठीक है। ये वैल्यू चाहे तुम लेंस में ले लो या मिरर में ले लो सेम रहेगा, ठीक है। तो वैल्यू कुछ ऐसा है, अगर कैलकुलेशन करने के बाद जो मैग्नीफिकेशन का वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा होता है, इसका मतलब ये है कि जो इमेज बनेगा ना वो ऑब्जेक्ट से ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है। फिर मान लो कि कैलकुलेशन करने के बाद अगर मैग्नीफिकेशन का वैल्यू एग्जैक्ट 1 आता है, इसका मतलब है कि जो इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों बराबर होगा, सेम होगा। और आखिरी उसी तरीके से अगर मैग्नीफिकेशन का वैल्यू कम होता है 1 से, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट ज़्यादा बड़ा होगा इमेज से। दैट्स इट। और जो बात रहा ना जो यूजेस क्या है कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस का, तो मैंने यहाँ दे दिया है, तुम एक बार देख लेना, ये तुम्हारे ऊपर टास्क मैं छोड़ रहा हूँ कि क्या क्या यूजेस है, तुम खुद से बताओगे, और यहाँ भी दिया हुआ है ऐसा रेफरेंस ले सकते हो।
मैं तुम्हें यूजेस के बारे में इतना बताना चाहूँगा जिससे कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि अगर तुम्हें कोई ऑब्जेक्ट है जो बहुत छोटा है बट उसे बड़ा करके देखना है तुम्हें, तो तुम ऑब्जेक्ट तो बड़ा नहीं कर सकते, बट हाँ इमेज अगर बड़ा हो जाए तो मजे ही मजे। तो इमेज कैसे बड़ा होगा? अगर तुम इस्तेमाल करते हो कॉन्वेक्स लेंस का, तो छोटा ऑब्जेक्ट को तुम बड़े करके देख सकते हो। और इसका एकदम अपोजिट, अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है उसे तुम्हें छोटी तरीके से देखना है तो तुम किस में देखोगे? कॉनकेव लेंस में। दैट्स इट। तो इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक पावरफुल लेंस। देखो तो तुम्हें पता है लेंस दो तरीके का होता है, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? कन्वर्स करता है लाइट को, इसलिए उसे कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। और कॉनकेव लेंस डाइवर्स करता है लाइट को, इसे डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। राइट। अब कितना डाइवर्स करता है, कितना कन्वर्स करता है ना, ये डिपेंड करता है कि लेंस का पावर कितना है। तो जो हमने पढ़ा ना पावर ऑफ लेंस, ये वही चीज़ है। एबिलिटी कितना है एक लेंस का कन्वर्ज और डाइवर्स करना, दैट्स कॉल्ड पावर ऑफ लेंस, जो कि डिपेंड करता है कि किसका कितना पावर होगा वो उसके फोकल लेंथ के ऊपर। एग्जाम्पल लेते हैं, तुम्हारे पास दो कॉन्वेक्स लेंस है, दोनों में फोकल लेंथ जो होगा या फिर जो फोकस होगा वो अलग अलग है। एक में फोकस पास में, एक में फोकस दूर है। तो जो पास में है ना उसका पावर ज़्यादा होता है और जो दूर होता है उसका पावर कम होता है। तो कुल मिला के बात यह है कि कोई भी लेंस कितना पावरफुल होगा वो डिपेंड कर रहा होगा कि इसका फोकल लेंथ कितना है। अगर फोकल लेंथ छोटा होता है तो उस लेंस का पावर ज़्यादा होगा, अगर फोकल लेंथ ज़्यादा होता है तो उसका पावर जो होगा लेंस का वो कम होगा। यानी कि ये रेसिप्रोकल है, उल्टा है, ठीक है? फोकल लेंथ ज़्यादा होगा तो ये कम होगा, फोकल लेंथ कम होगा तो ये ज़्यादा होगा। समझ रहे हो? उल्टा है। दैट्स कॉल्ड पावर ऑफ लेंस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो फॉर्मूला कुछ ऐसा है, पी इक्वल्स टू 1/f। एफ फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो तुम्हें न्यूमेरिकल्स करते हुए ध्यान देना है, जो पावर होता है ना उसका ऐसा यूनिट है डायोप्टर, और फोकल लेंथ का ऐसा यूनिट जो होता है वो मीटर में होता है। जनरली क्वेश्चन के अंदर में फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिया होगा तो तुम्हें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। तो हम ये सब चीज़ें जो है न्यूमेरिकल्स करते हुए देखेंगे। एक चीज़ जो तुम्हें जानना चाहिए यहाँ पे कि अगर क्वेश्चन आ गया कि डिफाइन 1 diopter, इसका मतलब क्या है? देखो एक ऐसा लेंस जिसका फोकल लेंथ 1 meter होता है उसे कहते हैं 1 diopter ऑफ ए लेंस, ठीक है? अब आखिरी फाइनल चीज़, इसके बाद और कुछ नहीं है, ठीक है? मैंने आखिरी किया कि काफ़ी लंबा कर दिया वीडियो को, बट ये लास्ट है, ठीक है? देखो तुम कैलकुलेट करोगे पावर कोई भी लेंस का, ठीक है? कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर निकलेगा ना वो आंसर अगर पॉजिटिव होता है कि ये जो लेंस है ना ये क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस है। और इसका एकदम अपोजिट, अगर कैलकुलेशन करने के बाद जो पावर का वैल्यू आएगा वो अगर नेगेटिव में होता है तो वो किस टाइप का लेंस होगा? कॉनकेव लेंस। जैसे कि देखो यहाँ पे एक लेंस है जिसका पावर है +2.0d, प्लस है, इसका मतलब ये क्या होगा? कॉन्वेक्स लेंस। और फिर देखो एक लेंस है फिर जिसका पावर जो है -2.5d है, तो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो ये क्या होगा? ये होगा कॉनकेव लेंस। सो कंप्लीट कर लिया हमने ये चैप्टर, काफी लंबा था बट फाइनली कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है तुम लोगों को पसंद आया होगा, और जो इस चैप्टर का नोट्स है वो मिल जाएगा तुम्हें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या मेरे टेलीग्राम चैनल पे। और अगर तुम चाहते हो कि न्यूमेरिकल वीडियो जो इस चैप्टर का वो जल्दी आए तो मैं टारगेट रख रहा हूँ 10,000 लाइक्स का। जल्दी से कर दो, इस चैप्टर का डिटेल न्यूमेरिकल वीडियो अपलोड कर दूंगा जैसे ही होता है ये टारगेट कम्प्लीट। मुझे बताया तुम कर लोगे यार, तुम कर लोगे तो जाओ यार करो। और आखिरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में जितने भी एनिमेशंस हुआ है उसका क्रेडिट देना चाहूँगा मैं मेरे सिस्टर को, क्योंकि जो भी एनिमेशंस हुआ है उसने किया है। तो मेरे कहने पे एक बार तुम उसके चैनल को जरूर चेकआउट करना, इससे उसे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा इस तरीके के और कंटेंट मेरे लिए बनाने के लिए। काफ़ी यार लेजी है, काम करना नहीं चाहती मेरी वीडियो पे, बहुत हाथ पैर जोड़ के मनाता हूँ। तो तुम लोग यार थोड़ा चेकआउट कर देना उस चैनल को, और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी तुम लोगों से बस इतना ही कहना है, थैंक यू, लव यू ऑल।